नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूं। इसके पहले जो वीडियो हुआ था, उस वीडियो में मैंने एंगल गेजेस का बेसिक और उसके साथ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया था। अभी ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में भी मैं क्या करने वाला हूं, एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन ये प्रॉब्लम में वो जो लास्ट वाला जो एंगल था वो 33 डिग्री था और यहाँ पर जो एंगल है वो 139 है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम में आपको एक स्टेप ऐड करना पड़ता है। वो स्टेप क्या है क्या नहीं, वो देखने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ये वीडियो देखने से पहले आपको मैं वापस थोड़ा सा बेसिक की तरफ लेके जाता हूँ। बेसिक में क्या था कि एंगल गेजेस का जो सेट रहते हैं वो क्या होते हैं, 12 ब्लॉक रहेंगे अंदर, उसके साथ एक स्क्वायर ब्लॉक रहता है। एक स्क्वायर ब्लॉक मतलब क्या, एक परफेक्टली स्क्वायर कास्टिंग रहता है जिसके सारे ये जो एंगल्स रहते हैं वो क्या रहेंगे, 90 डिग्री एंगल्स का कॉर्नर्स रहते हैं उसके। उसके साथ 12 एंगल गेजेस विथ वन स्क्वायर ब्लॉक, या आइदर 13 गेजेस और विथ वन स्क्वायर ब्लॉक। अभी मेरा एंगल कितना है, 139 डिग्री 30 मिनट और 27 सेकंड है। तो ये बनाने के लिए मुझे ये, अगर ये मेरे को 139 डिग्री क्रिएट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो स्क्वायर ब्लॉक कंसिडर करो, मैंने उसका एडिशन लिया। एक उसका जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, वो किया। फिर 90 डिग्री में मैं अभी ये 90 डिग्री क्यों ले रहा हूँ वो भी बताता हूँ। अगर आपने ये जितने भी डिग्री के सेट है इनके एडिशन किया तो आपका ये 139 आता नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा कि जो एंगल स्क्वायर ब्लॉक है वो मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ा, मतलब उसके कैलकुलेशन में लेना पड़ा। तो उसका मैंने 90 डिग्री यहाँ पे लिया। फिर अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे कितना करना है, टोटल कितना करना है, 139 करना है। तो 90 प्लस 41 तो ये क्या हो जाएगा, 131 हो गया। अभी 131 में और क्या करना पड़ेगा मुझे, ये 9 ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। 9 ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। इसमें से क्या कर दो माइनस, ये जो 1 है ये 1 माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 139। मतलब क्या क्या लिया आपने, आपने 41 का एक गेज ब्लॉक लिया, एक 9 का लिया और एक 1 का लिया। ठीक है, ये सिंपल है। पहले 90 का कैलकुलेशन में कंसिडर किया कि एक स्क्वायर ब्लॉक लिया इसका, 90 रखा मैंने यहाँ पे। तो वो भी आपको, वो जो स्टेप है वो भी दिखा देता हूँ आपको। अभी कंसिडर करो, ये मेरा स्क्वायर ब्लॉक मैंने लिया यहाँ पे। फिर उस पर क्या रखा मैंने, 41 का एंगल गेज रखा यहाँ पे, ये 41 का एंगल गेज रखा। फिर उसमें क्या किया, 9 का एडिशन किया। नाइन का एडिशन, फिर 1 का सब्सट्रैक्शन, 1 यहाँ पे लिख दूंगा और माइनस साइन ये साइड। फिर मुझे क्या करना है, 30 मिनट बनाना है। 30 मिनट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 27 प्लस 3 कर दो, क्या हो जाएगा, 30। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 27 प्लस 3 एडिशन था इसलिए दोनों साइड क्या हो गए, वी एक ही साइड आ गया। फिर क्या है, सेकंड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 27 है तो ऑलरेडी 30 माइनस 3 किया तो क्या हो जाएगा मेरा, 27 आ जाएगा। 30 माइनस 3 27, ये 30 माइनस 3। अभी ये जो एंगल बिल्ड हो गया वो एंगल मेरा कितना है, 139 डिग्री 30 मिनट 27 सेकंड। अभी ये एंगल आपको ड्राइंग में मार्क करना है, तो वो कैसे मार्क करना है वो बता देता हूँ। अभी देखो आप, ये टोटल एंगल 180 रहता है। यहाँ पे अगर आपने लाइन ड्रॉ किया तो ये कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, ये एंगल कितना रहेगा, ये एंगल मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या रहेगा, ऑलमोस्ट ये 90 से नीचे ही रहेगा, मतलब 75-80 कुछ भी रह सकता है। लेकिन अगर सेम मैंने लाइन, ये डॉटेड लाइन बनाई यहाँ पे, वो कितनी हो सकती है, यहाँ से एंगल अगर मैं मेजर किया तो ये क्या होगी, 90 के अबव ही होगी। तो वही करना है आपको,
अगर मैं ये एंगल ऐसे मार्क करता हूँ यहाँ पे, तो ये 139 हो सकता है क्या? नहीं। अगर मैं यहाँ से मार्क करूँगा ये लाइन से, ये, तो ये एंगल कितना होगा मेरा? यहाँ तक ये कितना था? ये एंगल हो जाएगा मेरा 139 डिग्री 30 मिनट 27 सेकंड। ठीक है, ये ऐसे आपको क्या करना है, उसका थोड़ा लॉजिकली यूज़ करके आपको डायग्राम में दिखाना है। चार मार्क के लिए ये प्रॉब्लम आता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू।